बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 डिस्कस किया था, जिसका टाइटल था द फॉक्स एंड द स्टॉक, तो उस लेक्चर में हमने सबसे पहले रीडिंग की थी, ट्रांसलेशन की थी, फिर वोकैबुलरी की थी, उसके बाद हमने उसका एक्सरसाइज किया था जिसमें कंप्रीहेंशन और एंटोनियम्स थे। आज हमने जो करना है वो इस चैप्टर का ग्रामर का पोर्शन है। तो यहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग्स लगाई हुई हैं, सबसे पहले मैं आपको उन हेडिंग्स के बारे में बता देता हूँ, फिर हम उनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेंगे। आप फर्स्ट मैंने लिखा है प्रोनाउन प्लस नाउन एग्रीमेंट, सेकंड है फोनिक्स, थर्ड है नाउन विद प्लूरल एंडिंग्स और लास्ट वन है आर्टिकल्स। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि प्रोनाउन होता क्या है और इसका नाउन के साथ कैसे एग्रीमेंट हो सकता है। पहले तो हम प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो लफ्ज होता है जिसको हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं या प्रोनाउन के थ्रू हम नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहां पे एक और है नाउन एग्रीमेंट। प्रोनाउन और नाउन का एग्रीमेंट कैसे हो सकता है? अब देखें, जैसे सिंगुलर नाउन है तो उसको हम रिप्लेस करने के लिए सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। अगर प्लूरल प्रोनाउन है, सॉरी प्लूरल नाउन है, तो उसको हम रिप्लेस करने के लिए प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, आप लोगों को देख लें, सारा इज माय फ्रेंड। अब यहाँ पे सारा नाउन है, ठीक। उसके बाद सेकंड सेंटेंस में देखें, शी गॉट अ न्यू ड्रेस। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा है शी गॉट अ न्यू ड्रेस। अब हमने इस सेंटेंस में सारा को रिप्लेस किया है शी से हमने सारा को रिप्लेस किया है। और फिर सारा सिंगुलर प्रोनाउन था, इसी वजह से हमने यहाँ पे शी इस्तेमाल किया है, बिकॉज शी इज सिंगुलर प्रोनाउन। सिंगुलर नाउन के साथ हम सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल देता हूं, द फॉक्स एंड स्टॉक लीव इन जंगल। अब यहां पे देखें, द फॉक्स एंड स्टॉक दो नाउन है, एक फॉक्स है दूसरा स्टॉक है। अब हम इन दोनों को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल को रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। और प्लूरल प्रोनाउन में हम लिखेंगे दे आर गुड फ्रेंड्स। आप इसमें देखें, फर्स्ट नाउन कौन कौन से थे, फॉक्स एंड स्टॉक था, उसको हमने रिप्लेस करने के लिए यहां पे दे का इस्तेमाल किया। अब दे क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन और नाउन की एग्रीमेंट है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो फोनिक्स का है। फोनिक्स में हमने करना है कंसोनेंट्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को कंसोनेंट्स के बारे में थोड़ा बता दूं, उसके बाद कंसोनेंट क्लस्टर को हम डिस्कस कर लेंगे। कंसोनेंट्स साउंड वो साउंड्स होती हैं जिसको प्रोनाउंस करते हुए हमें हेजिटेशन या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और हमारे गले में फ्रैक्शन होती है, जबकि वावल साउंड्स वो होते हैं जिनको प्रोनाउंस करते हुए हमें कोई रेजिस्टेंस और कोई फ्रैक्शन का सामना नहीं करना पड़ता है। अब यहां पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे फ्रेंड है, फ्रेंड है, इसमें जो स्टार्टिंग कंसोनेंट क्लस्टर है वो क्या है, एफ आर ई है, सॉरी एफ आर है, सिर्फ एफ आर इसमें स्टार्टिंग कंसोनेंट्स हैं। और नीचे देखें, क्लेवर दिया है, इसमें स्टार्टिंग कंसोनेंट है सी एल और लास्ट वन स्टेम्प है, तो स्टेम में जो कंसोनेंट्स हैं वो एस टी है। अब यहां पे सेकंड जो कॉलम है उसमें फाइनल कंसोनेंट्स दिए हुए हैं। अब जैसे फेल्ट है, शॉप है, डेस्क है, ये सारे फाइनल कंसोनेंट क्लस्टर है। उसके बाद हमने नेक्स्ट करना था नाउन विद प्लूरल एंडिंग। तो मैं आप लोगों को जरा एक्सप्लेन कर दूं प्लूरल और सिंगुलर क्या होते हैं। पहले सबसे पहले ये बात अपने जहन में रखें कि प्लूरल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो एक से ज्यादा लोगों के लिए या चीजों के लिए इस्तेमाल किया गया हो, वाइल सिंगुलर नाउन्स वो होते हैं जो सिर्फ एक फर्द के लिए या एक ही चीज के लिए इस्तेमाल किया गया हो। जैसे I have 5 pencils. अब यहां पे क्या है, I have 5 pencils. अब 5 means 5 pencils.
हमने एस का इजाफा करना है पेंसिल के साथ। अब आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास सिर्फ एक ही पेंसिल है। उसके बाद देखें कुछ रूल्स हैं इसको प्लूरल को सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए। जैसे आम वर्ड्स के साथ तो हम आम नाउंस के साथ तो हम जस्ट एस का इजाफा करते हैं और उसको प्लूरल बना देते हैं। लेकिन कुछ नाउंस हैं जो एंड्स होते हैं किसके साथ, एस के साथ, एस एच के साथ, सी एच के साथ, एक्स के साथ और जेड के साथ। अच्छा तो हमने क्या करना है, जो ऊपर लिखे हुए जेड तक जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं या नाउंस अल्फाबेट्स लिखे हैं, अगर कोई नाउन इनके साथ एंड हो रहा तो उसके साथ हमने ई एस का इजाफा करना है। वाइल कुछ नाउन्स हैं जो एल के साथ वाई के साथ एंड हो रहे हो, उसका पहला जो वर्ड है वो वावल ना हो, तो फिर हम उसके साथ आई ई एस का इजाफा करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, जंगल है। अब जंगल है तो ये किसके साथ एंड हो रहा है, जस्ट ई के साथ एंड हो रहा है, तो ई के साथ एंड हो रहा है तो उसको प्लूरल करने बनाने के लिए हम सिर्फ एस का इजाफा कर लेंगे। अब दूसरा वर्ड देखें, डिश है तो उसका हम प्लूरल बनाने के लिए ई एस का इजाफा कर लेंगे, जैसे डिशेस, सही है। अब नेक्स्ट देखें, डिफिकल्टी है। अब देखें यहां पे एंड हो रहा है किसके साथ, वाई के साथ एंड हो रहा है। डिफिकल्टी एंड किसके साथ हो रहा है, वाई के साथ हो रहा है। तो हमने रूल में क्या पढ़ा था, इफ अ नाउन एंड्स विद वाई, अगर कोई नाउन एंड हो रहा हो वाई के साथ और उससे पहला जो वर्ड है या अल्फाबेट है वो वावल ना हो, तो हम उसको वाई को चेंज करते हैं आई ई में, देन हम एस का इजाफा करते हैं। अब इसमें सिंपल मैं आप लोगों को बता दूं, देखें ये क्या कैसे बनेगा इसका प्लूरल, आई ई एस, डिफिकल्टीज। आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखें, हमने करना है आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स क्या है, अब मैंने यहां पे तीन लिखे हुए हैं लेकिन आपकी बुक में दो दिए हुए हैं। मैंने लिखे हुए ए एंड और दी, तीन आर्टिकल्स लिखे हैं। ये वैसे बेसिक ही तीन आर्टिकल्स हैं इंग्लिश में, लेकिन आपके बुक में दो दिए गए हैं तो लिहाजा हम तीसरे को छोड़ते हैं, इन दो को डिस्कस करते हैं। अब जैसे देखें अपने बुक के पेज नंबर 42 में देखें, अगर कोई सिंगुलर नाउन, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, आई हैव अ बुक, ही is eating an orange. अब यहां पे मैंने दो सेंटेंसेस लिखे, देखे I have a book, first one, second one हमारे पास है he is eating an orange. अब first में हमने noun के लिए a का इस्तेमाल किया है, second में हमने an का इस्तेमाल किया है। अब ये a का इस्तेमाल हमने यहां क्यों किया और यहां पे हमने an का इस्तेमाल क्यों किया है, गौर से सुने। मैं आप लोगों को रूल बता देता हूं, अगर कोई नाउन हो जो स्टार्ट हो रहा हो कंसोनेंट साउंड के साथ, कोई नाउन जो स्टार्ट हो रहा हो कंसोनेंट अल्फाबेट के साथ या कंसोनेंट साउंड के साथ, उसके साथ हम ए का इस्तेमाल करते हैं। बाकी कोई सिंगुलर नाउन हो जो स्टार्ट हो रहा हो ओ के साथ, सॉरी वॉवल्स के साथ, देन हम उसके साथ एन का इस्तेमाल करते हैं। देखें अ बुक, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, अ पेन, मीन्स कोई भी सिंगुलर नाउन जो स्टार्ट हो रहा हो कंसोनेंट साउंड के साथ उसके साथ हम ए का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जितने भी वावल साउंड्स के साथ स्टार्ट होते हैं उनके साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। चैप्टर 6 का एक्सरसाइज था, इसको हमने कंप्लीट कर दिया। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को कोई क्यूरी है, मजीद कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप हमें उसका फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वस्सलाम।